सो आज हम विंडोज के एक नया ट्रिक्स देखेंगे जिसमें से कि हम जिसको यूज करके हम माउस पॉइंटर जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप चाहो तो आपका जो माउस पॉइंटर है उसको आप सुपरमैन बना सकते हो, या फिर कोई सा भी एक कैरेक्टर, या फिर कोई अलग ही टाइप का माउस पॉइंटर बना सकते हो। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा जेंटल, मेरा जो वॉलपेपर है उसको थोड़ा सा जेंटल कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, जिससे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी जो मेरा माउस पॉइंटर है वो बिल्कुल ही सिंपल सा है, कोई भी मतलब कि ऐसे डिज़ाइन वगैरह इस पे नहीं है। सो आपको अगर डिज़ाइन या फिर कोई सा भी ऐसे अलग ही तरीका का माउस पॉइंटर चाहिए तो सिर्फ आपको करना क्या होगा कि आपको स्टार्ट में जाना है एंड आपका जो भी ब्राउज़र यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है उसको क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है ओपन कर्सर लाइब्रेरी, लिखना है बेसिकली ओपन कर्सर लाइब्रेरी। सो बहुत सारे ओपन कर्सर लाइब्रेरी रहते हैं, लेकिन हम बेसिकली पहले वाले में जाएंगे ओपन कर्सर लाइब्रेरी के, और इसके अंदर आपको बहुत सारे कर्सर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला डिज़ाइन डिज़ाइन वाला हो गया, बहुत सारे हो गया, ठीक है। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे ही मतलब कि जाता हूँ थोड़ा अंदर ही अंदर, एंड कुछ अलग ही तरीका का कर्सर हम यहाँ से चूज़ करेंगे, जैसे कि मक्खी हो गया, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, बहुत सारे मतलब कि अच्छे अच्छे कर्सर सब यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो आप अच्छे से चेक करिए, ढूंढिए आपके हिसाब से, और आप चाहे तो कोई सा भी एक कर्सर यहाँ से जो भी कर्सर दिखाई सब दे रहा है इन सब कर्सर को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, और स्टेप्स जो भी फॉलो करने हैं आपको वो वीडियो के अंदर ही मिलेगा। सो बने रहिए, बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। सो हो गया, मान लीजिए कोई सा भी है, कोई सा भी है, कोई सा भी अच्छा वाला, अच्छा वाला सुपरमैन, सुपरमैन कोई सा भी अच्छा अच्छा वाला। हाँ तो ये देखिए लूफी का है, ठीक है। सो मैं लूफी में क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करना है, और आप देख सकते हैं प्रीव्यू देख सकते हैं कि क्या होगा। अगर बीजी हुआ तो ये पागल जैसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है ना, वर्किंग तो ऐसे भागते रहेगा, ठीक है। अगर दिमाग में नहीं आया तो ऐसे होगा, नॉर्मल में ऐसे होगा, ठीक है। तो सारे तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन डिज़ाइन सब अवेलेबल हैं, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सोरा का है, स्पाइडर कर्सर है, अब बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी लूफी का दिखा रहा हूँ, तो इसको डाउनलोड करते हैं। सिंपली आपको करना क्या, डाउनलोड मारना है, आर्ट वर्ड को थोड़ा सा रिमूव करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मेरा अभी डाउनलोड हो चुका है, सॉरी डाउनलोड होने वाला है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मेरा डेस्कटॉप में ही सेव कर लेता हूँ, जैसे आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। सेव, ठीक है, तो हो गया मेरा डाउनलोड, हो गया सेव हो गया। इसके बाद सिंपली आपको इसको क्लोज कर देना है, कुछ भी वहाँ पर करना नहीं है। ये हमारा जो कर्सर का जिप है वो यहाँ पर आ गया है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है हम कर लिए हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट लूफी पॉइंटर, तो हमारा आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फाइल आ चुका है, फाइल के अंदर जो भी मेरे कर्सर सब हैं, कर्सर सब अवेलेबल हैं। तो इन सब कर्सर को अप्लाई करने के लिए मेरा मतलब कि आपको इन सब कर्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाते हैं, फिर उसके अंदर हमारा जो थीम का ऑप्शन है वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर आपको एक माउस कर्सर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला वे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा सीपीएल फाइल का जो वीडियो है अगर आपको वो वाला पता होगा, तो आप विंडोज आर प्रेस करके यहाँ पर लिख सकते हैं मेन डॉट सीपीएल, और इसके बाद एंटर कर सकते हैं, जिसमें से भी आप चाहे तो माउस पॉइंटर में जा सकते हैं, ठीक है। तो दो वे हैं, आप जा सकते हैं कोई सा भी शॉर्टकट वे मेरे पास सीपीएल फाइल का है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं और वीडियो को चेक कर सकते हैं चैनल में, ठीक है। उसके साथ ही साथ अभी हमें करना क्या है कि ये वाला जो सब पॉइंटर है ये सभी के सभी को हमको चेंज करना है। तो नॉर्मल सिलेक्ट हम इसको ब्राउज करेंगे,
ब्राउज करने के बाद हमारा जो है डेस्कटॉप में अवेलेबल है, हम डेस्कटॉप में जाएंगे, लूफी है, लूफी होगा, फिर यहाँ पर हमारा नॉर्मल हम ढूंढेंगे कि नॉर्मल कौन सा है, ये वाला नॉर्मल है, इसको ऐड करेंगे, ओपन करेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे, नॉर्मल वाला अप्लाई हो गया हमारा। फिर हेल्प के लिए हम वैसे ही करेंगे हेल्प, सो हम बेसिकली हेल्प लूफी हेल्प, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर दे रहा हूँ वर्किंग। अभी मेरा अप्लाई हो चुका है और अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो कर्सर है वो लूफी में कन्वर्ट हो चुका है। और आप जो भी करेंगे, जैसे कि मैंने अभी इसको क्लिक किया तो फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। लिंक में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइटिंग चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, लिंक में क्लिक करने के लिए वो फाइटिंग वाइटिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ भी सर्च